स्मॉल एंजल गैबल टैरिट्स, जेमिनाई, मिथुन राशि के जातकों का अगस्त का मंथ कैसा जाएगा आप लोग के लिए मैसेजेस थे, बहुत अच्छे मैसेज थे कि आपको इस वक्त बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानिए। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, कोई बताने नहीं आएगा आपको कि पहचानो पहचानो, नहीं, आपको पहचानना है अपनी ताकत को, अपने जो क्षमता है आपके अंदर उसको पहचानिए कि इतना मेरे अंदर ताकत है काम करने की। इस वक्त आपको दिखा भी रहा है कि आपको इस वक्त अपनी ताकत बना के रखनी चाहिए, स्ट्रेंथ बना के चलना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए अपने अपने वर्क के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। इस वक्त आपको अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखिए और अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छा लगता है आपको, क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद है खाने में, मैं कैसे अपना जो हूँ वो अपनी तैयारी करके रखूँ कि हाँ मुझे बैलेंस डाइट लेनी है। अपने आप को इस वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कुछ भी लाइफ में अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो यही समय है, मैनिफेस्ट करिए अपने लाइफ के ड्रीम्स को, एक पर्पस बनाइए, एक एम बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि हाँ एक ये मेरा टारगेट है लाइफ का, ये मुझे गेन करना है। आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि इस वक्त आप अपने आप को सरेंडर करें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स से कहिए कि आई एम सरेंडिंग टुवर्ड्स यू, आई एम वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स यू। ये कोई पर्सन के लिए अगर आप सरेंडर करें, सिचुएशन के लिए सरेंडर आपको होना पड़ेगा। काम रहिए, काइंड रहिए, अपने दिल से दयालुता को मत जाने दीजिएगा। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि सरेंडर करिए अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि फोकस रहिए, देखिए समझिए कि सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, फोकस रहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए। इस वक्त एक होता है ना कि असेस करना, किसी चीज़ को देखना ऊपर ऊपर से कि उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकला जा सकता है, लेकिन अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए मुसीबत में किसी में। ये भी यहाँ पे ये भी मैसेज है। और अपने आप को देखिए, जैसे शीशा होता है तो आप शीशे में क्यों जाते हैं सामने, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं ना कि ये सही नहीं है, वो नहीं सही है, ऐसे करो वैसे करो। तो अपनी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ आपको यहाँ पे लाना ज़रूरी है। खुद को एक बार ज़रूर देख लीजिए बजाय दूसरे के गलती निकालने के, एक बार यहाँ ज़रूर आप यहाँ पे देखिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आपके अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है, मानो आपकी इमोशनली फाइनेंशियली आपको गड़बड़ तो नहीं हो रही, आपसे ही कुछ गलती हो रही है। उसको सुधारिए, उसको नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। यहाँ पे यही मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा था वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को बांधिए नहीं किसी उसमें, किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी उसमें बाउंडेशंस लगा लिया कि नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा या नहीं। बिल्कुल ओपन माइंडेड रहिए और थोड़ा सा एक्सकर्शन पे जाइए, घूमिए फिरिए, आराम से रहिए, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन बंदिशें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को सिंपल के सिंपलिसिटी के साथ जिए, ऐसे होता है सरलता के साथ आराम से जी रहे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन मत लीजिए, ये सब नहीं करना है आपको। और अपने आसपास के जो एयर है ना उसको थोड़ा सा क्लियर करके रखिए। नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि लोग आएँ, थोड़ा सा हो सकता है व्यंग करें आपके ऊपर, आपकी तारीफ ना करें, और ये थोड़ा सा सिचुएशन बैड सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको अपने आसपास इन सब सभी चीज़ों को नहीं ध्यान देना है। ध्यान नहीं देंगे तो आपके अंदर वो आप ऊर्जा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे अपने बॉडी में, अपने ऑरा में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि क्लियर योर एयर, आप अपनी एयर को क्लियर कर दें एकदम आसपास के। रिलेशनशिप में भी आपके यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे तो एक उम्मीद की एक रोशनी आपके में दिख रही है, एक मजबूत रिश्ता बनेगा। जैसे पिलर होता है ना, पिलर का जो खंभा होता है वो मजबूत होता है, जल्दी कोई हिला नहीं सकता उसको, लेकिन एक रोशनी भी है, एक होप, लाइट ऑफ होप यहाँ पे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन किसी मुसीबत में अगेन यहाँ दिख रहा है कि मुसीबत में पड़ सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में आप गिरते उसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे से एंजल आकर के आपको बचा लेगा, ये ऐसे मैसेज आ रहा है। पीछे से एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, सपोर्ट मिलेगा आपको अपने यूनिवर्स से। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार यूनिवर्स को थैंक्स, सरेंडर करिए, एक बार गॉड की तरफ सरेंडर करके देखिए कैसे नहीं मदद मिलेगी आपको, बिल्कुल मदद मिलेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है आपके लाइफ में, यहाँ पे भी मैसेज है कि ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की, थर्ड कार्ड भी हम बता रहा है ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की जो कि आपको मुसीबत से निकालेंगी। और किसी थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, बच के रहिए और प्रेयर करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए तो बचे रहेंगे, यहाँ पे यही मैसेज है। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच।